हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं शिवाश्री पार्क पिपली पहाड़ दीपालपुर में। ये इस पार्क की कार पार्किंग है जो काफ़ी वसी है। अब चलते हैं इस पार्क के अंदर और देखते हैं इस पार्क में देखने को क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। खूबसूरत प्लेस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। इस पार्क की एंट्री टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये पार्क वाकया बहुत बड़ा है। इस पार्क में एक मिनी जू भी वाकया है। चलो पहले इसका विजिट करते हैं। खूबसूरत मोर जब पर खोलते हैं बहुत प्यारे लगते हैं मोर। ये खूबसूरत पार्क उकाड़ा देपालपुर पाकपटन और साईवाल के दरमियान में वाकिया है। ये पिपली पहाड़ उकाड़ा सिटी से 20 किलोमीटर, देपालपुर से 17 किलोमीटर, पाकपटन से 40 किलोमीटर और साईवाल से 60 किलोमीटर के फासले पे वाकिया है। इस पार्क के अंदर एक 800 साल पुराना वॉच टावर भी मौजूद है। तो चलिए मेरे नाल इस टावर के ऊपर चलते हैं और आपको पार्क की खूबसूरती के नज़ारे कराते हैं। इस टावर की लंबाई तकरीबन 30 फुट है। कैमरा घुमा घुमा के आपको इस पार्क की खूबसूरती के नज़ारे कराते हैं। इस पार्क में देखने को बहुत कुछ है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये पिपली पहाड़ एक जंगल हुआ करता था और हर तरह के जंगली जानवर इस जंगल में देखने को मिलते थे, मगर अब ये एक खूबसूरत पार्क की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पाकपटन देपालपुर और उकाड़ा के लोगों के लिए ये पार्क किसी बादशाह के महल से कम नहीं। लोग इस पार्क में आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ से झील बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आप इस पार्क में आएं और आपके पास टाइम है आप बोटिंग भी ज़रूर करें। ये पार्क वाकया बहुत बड़ा है। अभी हमने देखा है पार्क का एक हिस्सा, अब हम जा रहे हैं इस पार्क के दूसरे हिस्से जहाँ पर झील मौजूद है। इस पार्क में झील के ऊपर एक बर्तानवी दौर का ब्रिज भी बनाया गया है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपके कदमों की दमक के साथ ये पुल तेजी से हिलता है। आप यहां पर आकर झूले पुल की सैर भी कर सकते हैं। ये झील वाकई खूबसूरत है। इस झील में बहुत सी मछलियां भी मौजूद हैं। इस झील की सबसे बड़ी खूबी यहां का झूला पुल है। ये झूला पुल पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग इस पुल को देखने पिपली पहाड़ आते हैं। लोग इस झील को बहुत पसंद करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटोशूट करते हैं और कश्ती रानी में बैठकर हद से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस झील में बहुत सी मछलियाँ भी मौजूद हैं। इस पार्क में नहाने के लिए एक ट्यूबवेल भी मौजूद है जहां पर लोग ठंडे पानी से खूब एंजॉय करते हैं।
इस पार्क में एक मिनी जू भी मौजूद है जहां पर तरह तरह के जानवर और परिंदे रखे गए हैं। चलो मैं आपको इन जानवर और परिंदों का विजिट कराता हूं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये पिपली पहाड़ एक जंगल है। हर तरह के जंगली जानवर आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं, इसलिए दिन के वक्त तशरीफ लाएं। इस पार्क में ग्रीन जावा मोर भी मौजूद है जो पाकिस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है अपने साथियों को वो प्लेस दिखाए जाए जो इन शहरों के फेमस हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये व्लॉग वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। अब चलते हैं घर की जानिब। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको पिपली पहाड़ का शिवाश्री पार्क कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।